वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मौसम इतना खूबसूरत है ना, और अक्टूबर का मंथ तो होता ही बहुत इतना अच्छा मौसम, और कुछ अच्छा खाने को ना बनाए। मैं आज बना रही हूँ झटपट जूस अनार का, ठीक है, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, और वो घर की चीजों से ही बन जाता है अनार। अगर आपका खट्टा निकला है ना तो उसको फेंकना नहीं है, जूस में बना के पिए, स्किन रिफ्रेशिंग और एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जिससे आपका मैदा टॉप क्लास हो जाएगा। तो चले आए बनाते हैं। अपने अनार को पहले काट लिया, और मैंने आपको कटिंग भी दिखाई है, वो बड़ी इजी कटिंग होती है। हम इसमें अपना अनार डालेंगे, और अनार डालने के बाद अगर आपका अनार मेरे अनार की तरह बहुत ज़्यादा खट्टा है तो हाफ अनार में आप अराउंड 3 टेबल स्पून आपने ऐड करने हैं। मेरा तो आज कैमरा छोटा है, लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है ना तो ये फिर ना ऐड करें, और कोशिश करें कि शुगर जो है ना वो क्रश फॉर्म में लें तो वो बड़ा अच्छा होता है। मैं ना, मुझे तो खैर शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं थोड़ी चीनी ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितनी आपको पसंद है ना आप उतनी ऐड। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है, क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। मेरे पास आज काला नमक नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़े से पेपर ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर। ये देखिए, मैंने टाइनी सी ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर लिया, और ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड ब्लैक पेपर, और उसके बाद अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। लेकिन आपने ना थोड़ा सा बीच में ना वो भी ऐड करना है वाटर, क्योंकि जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ग्राइंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखिए जनाब, हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अब ये करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है ज़्यादा सा पानी, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हेल्दी रहे तो यू जस्ट हैव टू ऐड वाटर, बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फैंसी हो जाए और आपने किसी रिश्तेदार गेस्ट आया हुआ इस तरह का उसको सर्व करना है तो यू मस्ट ऐड 7 अपीनट, बट आई वॉन्ट इट टू बी हेल्दी क्योंकि दानिश का पहले ही गला खराब है, तो मैं इसमें सिर्फ पानी ऐड करूंगी। इसके बाद हम इसको करेंगे स्टेन। स्टेन मेन प्रोसेस है, क्योंकि जितना अच्छा स्टेन होगा उतने मजे का जूस बनेगा। सो ये ले जनाब, जूस हो गया है रेडी, रिफ्रेशिंग किस्म का, पिए और मजे उड़ाएं। आपको किसी क्रीम क्रूम की जरूरत ही नहीं है, जूस पिए और इट्स वेरी हेल्दी। तो अगर आपके घर में भी अनार मेरे घर की तरह खट्टा निकलता है उसको फेंके ना, जूस बना के पिए, स्किन भी रिफ्रेशिंग होगी, आप भी रिफ्रेशिंग होगे, अगर आप रिफ्रेशिंग होगे तो पूरा खानदान ही रिफ्रेशिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर दिल खुश हो ना तो इंसान दूसरों को भी खुश रखता है, तो इसलिए भूल जाए ये सितारा सलमा और ये मरियम फहद इन सबको। वैसे सलमा मुझे पसंद है, आई डोंट नो, कुछ लोग आपको विदाउट एनी रीजन पसंद होते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक मरियम फहद है क्योंकि वो बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं, और आई फील लाइक दे आर फेक। वेल दिस इज माई ओपिनियन, डू ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो हाउ इट्स इन टेस्ट, एंड डू टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। आई विल सी यू अगेन विद अनदर एक्साइटिंग व्लॉग विद सम रेसिपी और विद सम एडवेंचर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाय बाय।